गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपको प्रेडिक्शन बाबा हमारे चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। आज हम इंडिया श्रीलंका की लास्ट फाइनल मैच जो कि वानखेड़े में होने वाली है उसकी हम प्रेडिक्शन 11 टीम लेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैच वानखेड़े में और बैटिंग पिच है तो हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों टीमों को अच्छा परफॉर्म करते देख सकते हैं। इंडिया को चेंज कर सकती है इसमें, और चांसेस है ऐसा कि इंडिया उनदकट की जगह बसिल थम्पी या फिर वॉशिंगटन सुंदर भी आ सकते हैं आज के मैच में। मैं आपको अपनी टीम बताना चाहूँगा जो कि मैंने प्लेइंग 11 लिया है। मैंने MS धोनी का लिया है, आप डिक वेला भी ले सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि MS धोनी का पोजीशन अभी सेकंड डाउन आ रहे हैं। पिछले मैच में वो वन डाउन आए, ऐसा आज हो सकता है कि MS धोनी सेकंड डाउन फिर से आए, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी ये इंटरव्यू में बोला है कि वो ऊपर ही बैटिंग करेंगे, सेकंड डाउन वो परफेक्ट है ये पोजीशन के लिए, इसलिए MS धोनी ऊपर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि चहल और धोनी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, और दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से बैट्समैन को आउट कर रहे हैं, और स्टंपिंग और कैचेस में धोनी ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, इसलिए हम MS धोनी के साथ जाएंगे स्मॉल लीग में। और मैं आपको बता दूं कि हमने बैट्समैन में रोहित शर्मा, KL राहुल, उपुल थरंगा, कुशाल परेरा और सदीरा समारी विक्रमा लिया है, क्योंकि बैटिंग पिच है, हम 5 बैट्समैन के साथ जाना चाहेंगे। आप यहाँ पर श्रेयस अय्यर ले सक मैं खुद श्रेयस अय्यर लेना चाहता लेकिन पॉइंट एडजस्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझे अय्यर को ड्रॉप करना पड़ा और मुझे सदीरा लेना पड़ा। अगर आप अय्यर को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से सदीरा को छोड़कर आप बॉलिंग में अगर बुमराह को ड्रॉप करेंगे, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है, तो आप यहाँ पर अय्यर को ले सकते हैं उसकी जगह में, और आपको फिर एक अनादर बॉलर ऑप्शन लेना पड़ेगा इंडिया की टीम से, जो कि रिस्क हो सकता है क्योंकि आज उनका शायद ना खेले, इसलिए हमने सेफ टीम के लिए सदीरा को लिया है। हम ऑलराउंडर सेक्शन में आएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में हमने मैथ्यूज़ को आज ड्रॉप करा है क्योंकि पिछले मैच में वो इंजर्ड हो गए थे, तो मुझे नहीं लगता वो आज खेलेंगे, और शायद उनको दो हफ्ते तक का बेड रेस्ट मिल सकता है। असेला गुणरत्ना कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको आज ड्रॉप करेंगे। हार्दिक पांड्या जो कि इंडिया के की प्लेयर है, वो कहीं कोई भी टाइम पर कोई भी पोजीशन पे आके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और 1-2 विकेट ले सकते हैं और इकोनॉमिक ओवर डाल सकते हैं। परेरा हमने इसलिए लिया क्योंकि वो टीम के कैप्टन है, तो वो 4 ओवर डालते भी है, और जैसे कि आप देख रहे हैं हर मैच में श्रीलंका को हर एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते स्मॉल लीग में, इसलिए हमको परेरा को लेना पड़ा। और बॉलिंग सेक्शन में तो बहुत सिंपल है, आप बुमराह को तो ड्रॉप नहीं कर सकते। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि पिछले 2 मैच से उनने खासा प्रदर्शन नहीं करा है, लेकिन वो एक की प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, और आप ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन बना के डाल सकती है, क्योंकि 2 मैच से वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो बहुत सारे लोग आज इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं, और ना कि कोई इनको कैप्टन बनाएगा, तो ये अच्छा चांस है कि आप बुमराह को कैप्टन बनाएं। और अगर बुमराह 3 या 4 विकेट लेते हैं और इकोनॉमिक ओवर डालते हैं तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। चहल चहल को तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि चहल और धोनी मिलके काफ़ी अच्छा एक विकेट सेक्शन निकाल लेते हैं मिडल ओवर्स में। अकेला धनंजय ही है उनके बीच में, जो एक स्पिन बॉलर है और जो कि थोड़ा खासा परेशान करते हैं इंडियन बॉलर्स को, लेकिन पिछले मैच में तो इनकी भी काफ़ी पिटाई हुई है। आप चमीरा को भी ले सकते हैं। जदयू नदकत का आज कन्फर्म नहीं है, ना कि आज कुलदीप यादव कन्फर्म है, इसलिए हमने उन दोनों को ड्रॉप करा है। आज शायद बचील थम्पी या फिर मोहम्मद सिराज, दोनों में से कोई ना कोई एक आज प्लेइंग 11 खेलेगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन हम रोहित शर्मा के साथ ही आएंगे क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से काफ़ी हर एक मैच खेलते हैं, और वो होम ग्राउंड है उन लोगों का, तो बैटिंग पिच है, तो हम चांस नहीं ले सकते स्मॉल लीग में। रोहित शर्मा हो सकता है आज भी कोई एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। और हम वाइस कैप्टन के लिए हम कुशाल परेरा चूज़ करेंगे क्योंकि फाइट बैक अच्छे करे कुशाल परेरा की, आपने बैटिंग देखे पिछले मैच में काफ़ी इजी तरीके से वो शॉट्स प्ले कर रहे थे, बाउंड्रीज काफ़ी अच्छी खासी अन कर रहे हैं, तो हम इसलिए कुशाल परेरा को वाइस कैप्टन बनाएंगे।
मैं आपको एक बार प्रीव्यू कर देता हूँ हमारी टीम। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक बैलेंस टीम है, क्योंकि अगर अगर आपको चांस लेना है तो आप थम्पी या सिराज में से किसी को लेकर आप चांस ले सकते हैं, और आप बुमराह को भी कैप्टन बना सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। आगे आके आप ये आगे आपकी इच्छा, ये हमारी स्मॉल लीग टीम है। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिस तरीके से आप सब्सक्राइब करेंगे मैं आगे की वीडियोस आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। बाय।